पर्यावरण विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से इस बार दीपावली के अवसर पर प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और शहर के लोगों को प्रदूषण रहित दीपावली और ग्रीन दीपावली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कड़ी में शहर के पार्षदों की मदद से उनके एरिया के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने कहा कि एक स्वच्छ और ग्रीन दीपावली को बढ़ावा देने की भावना के उद्देश्य से एरिया के जरूरतमंद लोगों को पर्यावरण हितैषी दिए और अन्य सामग्री बांटकर उन्हें प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी है और मैं क्लाइमेट चेंज सेल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 काम कर रही हूँ। तो हम दिवाली पे, हर दिवाली पे ये बात लोगों को बोलते हैं कि आप प्लीज़ पटाखे मत बजाइए और प्रदूषण होता है इससे। पर मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि जो लोग ये बात बोलते हैं कि हमेशा कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए, सरकार कौन है? सरकार हम ही लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो अगर सरकार जो है आपको टाइम दे रही है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पटाखे बजाइए और लोगों का चालान भी हो रहा है, बट अगर आज चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ एनवायरनमेंट, चंडीगढ़ पोल्यूशन बोर्ड और हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से ये मिलके क्लीन एंड ग्रीन दीपावली का प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें हमारे श्री रोहित जी हैं, एनजीओ से हैं, श्री मधु प्रभु शाही जी हैं, जय मधुसन जय किशन फाउंडेशन से हैं। उनके साथ सबसे बड़ा योगदान हमारे सफाई मित्रों का है, जो आज की देर में आप देख रहे हैं दिल्ली का हाल देख लीजिए कितना पोल्यूशन है। हम सभी से आपका चंडीगढ़ प्रशासन और हमारी तरफ से यही लोगों से आग्रह है कि आप क्लीन एंड ग्रीन दीवारी मंगाएं।